नाज़रीन बड़ी माजरत के साथ, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मैंने एक ड्रामे के गाने का थोड़ा सा शार्ट आपके सामने पेश किया है। ये एक गाने का शार्ट है और मैंने इसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया है। नाज़रीन ये ड्रामा हम टीवी पर लगता है, जो पाकिस्तान का एक मायानास ड्रामों का एक प्लेटफॉर्म है, एक ड्रामों का एक चैनल है। इन्होंने अपने चैनल का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि हम टीवी इज़ पाकिस्तान प्रीमियर टीवी चैनल प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंटरटेनमेंट ड्रामास फॉर द इंटायर फैमिली, कि ये एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट का एक चैनल है ड्रामों का, जो कि तमाम तर फैमिली के लिए है। आपने वीडियो में देखा होगा कि जो लड़की है उसका लिबास कैसा है, जबकि उनका दावा है कि हमारे इस ड्रामे को, हमारे इन ड्रामों को तमाम तर फैमिली देख सकती है। अगर मुसलमानों की ये फैमिली ड्रामा देखेगी, ये गाना सुनेगी, तो आप ख़ुद इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि हमारी नौजवान नस्ल में, हमारी बच्चियों के जहन में क्या तासर पैदा होगा, क्या वो भी ऐसा लिबास पहनेगी। और ये सही बात है, जो चीज़ देखी जाए, जो चीज़ सुनी जाए, इंसान उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। ये नफ्सियात की बात है, जिस चीज़ को बार बार देखा जाए, जिस चीज़ को इंसान सुनता है उसको वो फॉलो करने की कोशिश करता है, ये तो नफ्सियात की बात है। आप अंदाज़ा करें हमारे मुसलमान फैमिली सिस्टम में किस तरह के ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन हमने तो इंडिया से अलहदगी इसलिए इख्तियार की थी, भारत से अलग हम इसलिए हुए थे, इस आइडियालॉजी पर हुए थे, इस फलसफे पर हुए थे कि हमारा लिबास अलग है, हम मुसलमान हैं, हमारे लिबास में हया है, मतानत है, एक रायत है। ना हया रही, ना शर्म रही, ना रायत रही, ना मतानत रही, ना संजीदगी रही। तो फिर आप इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे कि फिर हम क्या गलत थे कि हमने पाकिस्तान को जो है ना बनाया है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी माओं बहनों की इज्जतों को लुटवाया है, अपना खून बहाया है, क्या हम गलत थे? क्या ये ड्रामे इस बात को गलत साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान गलत बना है? ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर नहीं बना। नाज़रीन ये इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान है, यहाँ के रखवाले, यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं और ये इस्लाम का गहवारा है। मैं पैमरा से दरख्वास्त करूंगा कि आप सत्तू पी के ना सोएं, इस मुल्क की हिफाजत करें, इस मुल्क के आइडियालॉजी की हिफाजत करें। आप उन लोगों को लगाम डालें जो लोग यहाँ पे लोगों में फहाशी फैला रहे हैं, कुरयानी की दावत देते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने कुरान में फरमाया है कि जो लोग मुसलमानों में फहाशी फैलाते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब की वहीद है। ड्रामे लिखने वाले लिखारी और इसको डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर्स जो हैं, उनको इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे इस्लाम को मसख ना किया जाए, हमारी वो इस्लामी अकदार को रौंदा ना जाए जो इस्लामी अकदार 1400 साल पहले से चली आ रही हैं। मुसलमानों के दरमियान फहाशी को ना फैलाया जाए, मुसलमानों के दरमियान उरयानी को ना फैलाया जाए, मुसलमान लड़कियों को बेरहरवी का शिकार ना किया जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए।